राजधानी लखनऊ के कई आंगनबाड़ी केंद्रों के हाल बेहाल है। मोहनलालगंज ब्लॉक के भैरवपुर गांव का आंगनबाड़ी केंद्र बदहाली के आंसू रो रहा है। वहां नौनिहालों की पढ़ाई छप्पर के नीचे चटाई पर बैठाकर की जा रही थी। बिल्डिंग के नाम पर किराए पर लिया हुआ एक टूटा फूटा कमरा और बाहर टपकता हुआ छप्पर दिखाई दिया, जिसका आज तक किराया भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं अगर हम इस जगह के मालिक की बात करें तो उसका कहना है कि सालों बीत गए लेकिन आज तक विभाग द्वारा एक पैसे किराया तक नहीं दिया गया। सूबे में जिस तरह से लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कवायद की जा रही है, ऐसे में आपको बता दें कि जो बच्चों की प्राइमरी स्टेज होती है, जो शुरुआत होती है, अगर हम आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो आज हम आपको एक ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र से रूबरू कराएंगे जहां आप देख सकते हैं कि कितनी अव्यवस्था के बीच में नौनिहाल नन्हे मुन्ने बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर है। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में, देख सकते हैं ये एक आंगनबाड़ी केंद्र है और ये और कहीं का नहीं, ये राजधानी लखनऊ का आंगनबाड़ी केंद्र है। ये राजधानी के मोहनलालगंज विकास खंड में आने वाले भैरमपुर गांव का आंगनबाड़ी केंद्र जो आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर खुले में लगाया जाता है। एक टूटा सा पीछे मकान है, कमरा है, उसी के आगे एक झोपड़ी रखी हुई है, ऊपर से छप्पर रखा हुआ, उसी के नीचे नौनिहाल बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर है। यहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो संचालिका है उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये अव्यवस्था आखिर कब से है और क्यों है इस तरह की व्यवस्था। जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है विनीता मिश्रा, आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा अव्यवस्थित है, बच्चे नीचे बैठे हुए, छप्पर के नीचे बैठे हुए, कब से बैठे हुए हैं सर? यहाँ 2006 से यहाँ बैठे हुए हैं और पहले मैं प्राथमिक विद्यालय में लगाते थे, पूर्व प्रधान थे जो यहाँ पे हमें बैठा दिया, लेकिन यहाँ कोई न सरकारी बिल्डिंग है न कुछ, ये किराए के उससे लिया था। यहाँ पे बारिश की वजह से जर्जर हो गया है। और बारिश में कैसे इसके नीचे पढ़ाते बच्चे? सर इसके नीचे नहीं पढ़ाते हैं, फिर किसी का बरामदा या कुछ कहीं जगह मिल जाती हैं तो वहीं बैठ के पढ़ाते हैं, बाकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जगह जगह इधर उधर भागते हैं। पोषाहार वगैरह जो आता है वो किस तरह से वितरित करते हैं? पोषाहार 5, 15 और 25 तीन डेट में वितरण किया जाता है गर्भवती धात्री और 7 माह से 3 वर्ष बच्चों को, यहीं से जहाँ बैठते हैं वहीं से वितरण करते हैं। करके आपने शिकायत की कि हमारे पास बैठने की व्यवस्था नहीं, बच्चे नहीं आ पा रहे, बच्चे भी कम आते होंगे? बच्चे सर आते हैं कभी कभी, अब जैसे सहायिका नहीं आ पाते हैं, मान लीजिए आज ही नहीं आ पाई है तो इस कारण से बच्चे नहीं आ पाते, सहायिका आती है तो बच्चे पूर्ण लेके आती है। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट्स क्या भेजते हैं ऐसी स्थिति में? पेरेंट्स भेजते तो हैं लेकिन सर वो बहुत बातें हमको सुनाते हैं कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है, तुम तो ऐसे बैठते, मेरे बच्चों को ऐसे बैठाओगी, तो इस तरह से उनसे हम विनती करते हैं कि भेज दीजिए, ऐसा है कि नहीं तो हम केंद्र कैसे लगाएंगे, कैसे संचालन दिखाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो अभिभावक है, बच्चों की माताएं हैं, वो भी बैठी हुई हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये व्यवस्था कब से और ये आखिर क्यों नहीं बच्चों को केंद्र पे भेजती हैं यहाँ पे। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रोशनी। जी ये बताइए यहाँ जो अव्यवस्था है इसके चलते आप अपने बच्चों को नहीं भेज पाती यहाँ पे? हाँ सर इसीलिए नहीं भेज पाते, यहाँ कुछ रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, बारिश होती है या हवा तेज चलती है, बच्चों की आँख में धूल पड़ जाती है, बारिश में बैठने की बहुत दिक्कत रहती है सर। क्या लगता है ऐसे?